पन्ना में स्वच्छता अभियान प्रारंभ हुआ तो सांसद और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा झाड़ू थामे नजर आए। इस मौके पर वीडी शर्मा ने कहा, वैसे तो स्वच्छता अभियान हर नागरिक का कर्तव्य है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छ भारत का अभियान लगातार चल रहा है। इस अभियान में पन्ना के नागरिक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वच्छता अभियान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा झाड़ू लगाकर साफ सफाई करते नजर आए। वीडी शर्मा ने कहा, G20 देशों की बैठक के लिए हमारा सौभाग्य है कि भारत को अध्यक्षता करने का अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है और मोदी जी ने इस देश को स्वच्छ भारत बनाया है। सौभाग्य इस बात का है कि पन्ना भी G20 देशों के प्रतिनिधि पन्ना टाइगर रिजर्व और पन्ना के किशोर जी भगवान का दर्शन करने भी दुनिया के लोग यहां पर आएंगे। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम सब लोग अपने शहर को स्वच्छ शहर बनाकर आने वाले लोगों को बताएंगे कि पन्ना कितना सुंदर और स्वच्छ शहर है। किशोर जी के मंदिर से इस अभियान की शुरुआत हुई है, यह लगातार अब चलेगा। हमारे सभी पार्षद, नगर पालिका के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सब लोग इस काम में जुटेंगे। का अभियान जो लगातार चला, उसमें पन्ना के नागरिक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अभी हमने G20 देशों की बैठक, हमारा सौभाग्य है कि भारत को अध्यक्षता करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है और मोदी जी ने इस देश को स्वच्छ भारत बनाया है। इसलिए G20 देशों की बैठक जो देश भर के अंदर 56 स्थानों पर हो रही है, उनमें हम सौभाग्यशाली हैं, किशोर जी भगवान का आशीर्वाद है कि खजुराहो के अंदर भी दो बैठकें होंगी, 23, 24, 25 फरवरी, 11, 12 सितंबर को दो बैठकें होंगी। और ज़्यादा सौभाग्य इस बात का है कि पन्ना भी G20 देशों के प्रतिनिधि, पन्ना टाइगर रिजर्व और भगवान का आशीर्वाद रहा तो पन्ना के किशोर जी भगवान का दर्शन करने भी दुनिया के लोग यहां पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर, माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर हम सब लोग अपने शहर को स्वच्छ शहर बनाकर जो दुनिया के आने वाले जो लोग हैं उन्हें लगे कि पन्ना कितना सुंदर और स्वच्छ शहर है। तो इस दिशा में आज हमने G20 देशों के आने वाले प्रतिनिधियों के सम्मान बतौर आज हमने स्वच्छता का अभियान यहाँ प्रारंभ किया है। किशोर जी के मंदिर से इस अभियान की शुरुआत हुई है, ये लगातार अब चलेगा। हमारे सभी पार्षद, नगर पालिका की अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सब लोग इस काम में जुटेंगे। पन्ना का प्रत्येक कोना, ऐसा नहीं कि केवल कोई स्वच्छता का अभियान और आज फॉर्मेलिटी हो गई, फोटो खींच गया मात्र, इसके लिए नहीं है। स्वच्छता का अभियान प्रतिदिन चलेगा, जनता में भी जागरूकता लाने का काम करेंगे कि जनता किस प्रकार से इसमें अपनी भूमिका निभाए। इंदौर जैसा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन सकता है तो पन्ना भी स्वच्छ शहर क्यों नहीं बन सकता। पन्ना तो छोटा शहर है और हमारे लोग इतने जागरूक हैं, तो मैं तो आम जनता से, सभी दलों के लोगों से भी अपील करता हूँ, ये कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, सभी लोगों को भी भूमिका निभानी चाहिए कि हम सब मिल करके अपने पन्ना शहर को स्वच्छ बनाएं। जनता अपने अपने घरों के सामने भी गंदगी न करे, अगर कोई गंदगी करता है तो उसको रोके। सभी दुकानदारों से सबसे भी हमने अपील की है कि अपना डस्टबिन भी रखें, प्रशासन भी इस काम में लगाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं